हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो फर्स्ट वीडियो में टॉपिक था, चल रहा था हमारा कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म में हमने दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम में वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इसमें हमने ये बताया था कि सॉल्यूट जो डिसॉल्व होगा वो 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। आइए हम चलते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मास वॉल्यूम परसेंटेज व्हेन डिसॉल्विंग 120 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl इंटू ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक 3 liter ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज मास वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करवा रहा है कि कोई कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ मास वॉल्यूम परसेंट। तो वो आई क्वेश्चन करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, नोट करेंगे इसमें गिवन क्या दे रखा है। हमें दे रखा है W सोल्यूट, यानी W सॉल्यूट क्या है, NaCl हम मिला रहे हैं किसमें, हम 3 liter सॉल्यूशन, एक 3 liter सॉल्यूशन है जिसमें हमारा 120 ग्राम सॉल्यूशन मिला हुआ है। तो W सॉल्यूट इक्वल टू 120 ग्राम NaCl दे रखा है और V सॉल्यूशन है जो 3 liter है। तो V नो डैट 1 liter इक्वल टू कितना होता है 1000 ml और 3 liter इक्वल टू 3000 ml। फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट NaCl और V सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो परसेंटेज W बाय V इक्वल टू 120 अपॉन 300 ml मल्टीप्लाई 100, 3 से 3 कैंसिल हो गए, इक्वल टू 12/3, ये कितना आ गया 4%। तो हमारे पास जो आपका सॉल्यूट जो मिला हुआ है 3 लीटर सॉल्यूशन में, वो कितना है, वो 4% है। ओके, अब आइए नेक्स्ट चलते हैं हमारा ग्रुप नंबर थर्ड में। थर्ड पॉइंट है, थर्ड हेडिंग है हमारी, आती है मोलैरिटी। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर। इसमें आपको लीटर में चेंज करना है, अगर ml में आपके पास कोई भी अगर आपको सॉल्यूशन दे रखा है उसको लीटर में चेंज करना है। ओके, लीटर में तो आप लोग चेंज कर लोगे। तो m इक्वल टू क्या होता है, n सॉल्यूट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है इसमें हमने, और v सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब इसमें हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इसमें नंबर ऑफ मोल्स, हमें इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ मोल्स किस तरह निकालते हैं, आपको 11 क्लास में बताया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है। 4 टाइप्स के फॉर्मूले होते हैं, बट हम यहाँ पर वो फर्स्ट एक जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं जिससे जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, यानी इसमें गिवन वेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है और मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है मोलैरिटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है, सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH मिला हुआ है, उसकी हमें मोलैरिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा सॉल्यूट जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ये 5 ग्राम NaOH। तो मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है, सोडियम का जो आपका वेट होता है, मोलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है 23 होता है, प्लस 16 होता है ऑक्सीजन का, प्लस 1 की तरफ होता है हाइड्रोजन का, ये मिलाकर के 40 ग्राम पर मोल। अब आते हैं गिवन वेट जो दे रखा है क्वेश्चन में, 5 ग्राम NaOH दे रखा है। तो 5 ग्राम NaOH दे रखा है, उसके बाद हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH गिवन वेट अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH गिवन वेट अपॉन मोलर मास, इसमें आ जाएगा 5 अपॉन 40, ये 1/8।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना आएगा, 1/8। अब इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। अब इसमें हमें 450 ml है जो हमें लीटर में चेंज करना होगा। आप ये नोट करिए, स्टूडेंट्स आगे चलते हैं उस क्वेश्चन से कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर ली थी। तो V इक्वल टू उसमें दे रखा है 450 ml। वी नो दैट हम जानते हैं कि 1 ml इक्वल टू 1/1000 liter। तो 450 ml को हमने लीटर में चेंज किया तो ये आपका आया 45/100। तो 1/8 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी का फॉर्मूला, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो 1/8/45/100, इसको मैंने कैलकुलेशन करके यह है 0.2 m। अब कैपिटल M का मतलब होता है, इसकी यूनिट होती है, आप इसको M से भी डिनोट कर सकते हो और मोलर से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो, मोलर, ठीक है, इसको मोलर से आप फाइंड कर सकते हो, इसकी यूनिट लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98 g H2SO4 डिसॉल्व इन 1500 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी, ठीक है। 98 g H2SO4 है तो मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास से पहले हम फाइंड करेंगे कि हमें नंबर ऑफ मोल्स, इस क्वेश्चन में हमें इस टॉपिक में नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। इस क्वेश्चन में जो मोलैरिटी क्वेश्चन होते हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले निकालने होते हैं, उसमें हमें सबसे पहले गिवन मोलर मास निकालना होता है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 2 × 1 = 2 हाइड्रोजन, यानी 2 एटम है, 2 × 1 + 32 + 4 × 16, यहाँ पर आ गया 98 g/mol। अ गिवन वेट ऑफ H2SO4 98 g एंड H2SO4 इक्वल टू 98, नंबर ऑफ मोल्स मैं निकाल रहा हूँ H2SO4 के 98/98, कितना आ गया 1। वॉल्यूम आपको देखा है कि 1500 ml, इसको लीटर में चेंज करेंगे, इसको डिवाइड कर दिया मैंने 1000 से, 1.5 liter। तो एम्स का आ 1, यानी आपका 1 क्या है, 98 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, 1/1.5 मोलर या एम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 30 g यूरिया इज डिसॉल्व इन सफिशियंट वाटर टू प्रोड्यूस्ड 2 liter ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी। सफिशियंट वाटर है जिसमें 30 g यूरिया डिसॉल्व है, इसमें कैलकुलेट करना है हमें मोलैरिटी। तो मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 का होल ट्वाइस CO इक्वल टू कितना हो गया 60। याद रखना इन क्वेश्चंस में यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, सुक्रोज, इस तरीके से क्वेश्चंस में आपको यूनिट दी रहती है, तो इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और मोलर मास भी के याद होने चाहिए। गिवन वेट ऑफ यूरिया 30 g एंड हमने मोलर मास फाइंड कर लिया है 60 g। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे हम यूरिया के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 30/60 इक्वल टू 1/2, कितना आ गया 0.5। अब मोल एम इक्वल टू 0.5/20, तो यहाँ पर आएगा 1/4 ही आ जाएगा आपका 0.25 mol। तो ये हमारे पास इस ग्रुप का खत्म होता है मोलैरिटी टॉपिक। क्वेश्चंस में आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ही, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मोलैरिटी के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मोलैरिटी। उसके बाद आपका इसमें एक और है आपका नंबर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना, वो भी इम्पोर्टेंट है, और मोलैरिटी वो भी आपका इसमें इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलिटी में क्या होता है कि किसी भी कंसंट्रेशन, किसी भी हमें जो सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करना, वो कितना कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो द नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
अब इसमें देखिए नॉर्मलिटी जो है एक सॉल्यूशन है, नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन होता है हमारे पास जो कंसंट्रेशन, उसमें क्या करनी है हमें एक्सप्रेस करनी है, बतानी है कितना कंसंट्रेशन है। एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वो अभी आगे बताएंगे हम। अभी सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट पर लीटर, एक लीटर सॉल्यूशन में कितना हम कंसंट्रेशन, यानी ये बता सकते हैं कि आपको कि वो सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेशन है ना, उसमें कितना, अगर कोई भी सॉल्यूशन है वाटर है मान लीजिए, तो हमें कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बनाना है तो उसकी उसमें नॉर्मलिटी फाइंड करनी होती है, उस तरीके से हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 यानी 1000 लीटर के लिए दिया गया है यहाँ पर। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो n इक्वल टू w मल्टीप्लाई 1000 e मल्टीप्लाई v m। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको बाद में हम जान लेते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है। देखिए इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन चार्ज ऑफ कैटायन मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ एनायन। तो इसमें बच्चों देखो, इसमें इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें मोलर मास और चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन चाहिए होता है, ठीक है, जो इस नॉर्मलिटी में यूज होता है हमारा। इसमें इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है कैलकुलेशन करके, जिससे हम उसका अमाउंट सही सही पता लगा सकें। लाइक जैसे मान लीजिए NaOH आ गया हमारे पास, NaOH है तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट, इसका मोलर मास 40 होता है और चार्ज ऑफ कैटायन सोडियम पे कितना होता है चार्ज प्लस, और कितना होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 40। अब आते हैं AlCl3, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका, तो मोलर मास m वो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, तो m अपॉन 1 मल्टीप्लाई 3, 1 किसका चार्ज है Cl का और 3 किसका है एल्यूमिनियम का। अब आते हैं Na2SO4, तो Na2SO4 में क्या है EW, तो m by 2 मल्टीप्लाई 1। अब नेक्स्ट आते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इसमें देखो इसमें क्या होगा इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इक्वल टू m by 2 मल्टीप्लाई 3। m यानी m क्या हो गया आपका मोलर मास, इसका फाइंड कर लेना, और 2 मल्टीप्लाई 3 पूरा कैलकुलेशन करते हैं E आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर इसको E से शो कर रहे हैं, कहीं कहीं आपको कैपिटल W से भी शो करके दिखाया जाएगा, क्योंकि E से क्या होगा इक्विवेलेंट वेट आ रहा है आपको शो कर रहे हैं, तो इसलिए हमें N इक्वल टू नॉर्मलिटी निकालेंगे, N इक्वल टू W मल्टीप्लाई 1000 E मल्टीप्लाई V एंगल, ओके। तो ये आपका नॉर्मलिटी का टॉपिक। अब इसमें आपको क्वेश्चन जो है ये कुछ नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस नॉर्मलिटी सॉल्यूशंस आर ब्लो। क्वेश्चंस में हमें कई तरीके से दे सकता है, आपको एक सिंपल नॉर्मल तरीके से भी दे सकता है, जैसे n, n नॉर्मल सॉल्यूशन, या 5n इसको बोलेंगे पेंटा, इस तरीके से भी आपको दे सकता है पेंटा, रिटर्न में भी दे सकता है आपको, या न्यूमरल्स में भी दे सकता है, तो 5n को हम पेंटा नॉर्मल कहेंगे, 10n को डेका नॉर्मल कहेंगे, n by 10 को हम डेसी नॉर्मल कहेंगे। ये क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से दे सकता है, आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन में दे सकता है, आपको n by 10 इसमें भी दे सकता है, n by 2 सेमी नॉर्मल, n by 5 एंटी नॉर्मल, तो ये आपको क्वेश्चंस में इस तरीके से क्वेश्चन में दे सकता है इसके क्वेश्चंस में, ओके। तो n नॉर्मल सॉल्यूशन हो जाएगा, n क्या होगा पेंटा नॉर्मल, और 10n क्या होगा डेका नॉर्मल, और 5/10 डेसी नॉर्मल, और n by 2 क्या होगा डेसी सेमी नॉर्मल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दे जाएगा, आपको दोनों तरीके से दे सकता है, इसलिए मैंने आपको नोट करा दिया है कि ये नोट कर लीजिए, ओके, इससे आपको परेशानी ना हो कि हाँ इस क्वेश्चन में किस तरीके से अलग तरीके से दे दिया। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, अभी आप नोट कर लीजिए इसमें। चलिए अब नॉर्मलिटी के क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ 2 ग्राम कास्टिक डिसॉल्व इन 5 लीटर एक्वस सॉल्यूशन देन व्हाट इज इट्स नॉर्मलिटी। अब 2 ग्राम कास्टिक डिसॉल्व इन 5 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, 2 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो डिसॉल्व है हमारा 5 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में व्हाट इज नॉर्मलिटी, उसकी नॉर्मलिटी फाइंड करनी है। तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH 40 ग्राम पर मोल, और E इक्वल टू W इक्वल टू 40 बाई 1। अब 4 ग्राम
इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको बोला मास अपॉन कैटायन एनायन, तो 14 डिवाइड बाय 1 तो ये आ गया 40 ग्राम। ओके कितना आ गया 40 ग्राम आ गया यहाँ पर, ये आ गया 40 ग्राम। अब n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1000, n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1000, ये मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, तो 40 मल्टीप्लाई 5000, 5000 क्या हो गया 5 लीटर को मैंने एमएल में चेंज किया, तो v इक्वल टू 5 लीटर था तो मैंने इसको एमएल में चेंज कर लिया। अब इसका आंसर आ गया 0.01 नॉर्मलिटी, इसको n से शो करेंगे, जहाँ भी इसकी यूनिट आएगी n से शो करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 150 ml ऑफ n बाई 7 H2SO4। अब इस तरीके से क्वेश्चन आता है, देखिए मैंने भी अभी बताया था आपको यूनिट की n बाई 7 है, तो इसमें आपको इस तरीके से दिया जाएगा n बाई 17 हेक्सा नॉर्मल ऑक्टा नॉर्मल, 8 आएगा तो ऑक्टा नॉर्मल हेक्सा नॉर्मल है, ठीक है हेप्टा नॉर्मल। अब यहाँ पर देखिए मोलर मास ऑफ H2SO4 98 ग्राम, क्योंकि H2SO4 दे रखा है यहाँ पर। इसके बाद EW इक्वल टू 98 1 मल्टीप्लाई 2 98 पॉइंट कितना गया 49। ओके ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट निकाला मैंने आपको पीछे बताया अभी, V इक्वल टू 150 ml दे रखा है वॉल्यूम। अब W हमें मार्क करना है, यानी स्ट्रेंथ हमें मालूम करने बात है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि n इक्वल टू W मल्टीप्लाई 1000 E मल्टीप्लाई V, इसको मैंने चेंज किया W मैं इसको इधर ले आया, बाकी इससे मल्टीप्लाई कर दी n मल्टीप्लाई E मल्टीप्लाई V अपॉन 1000, तो यहाँ पर W इक्वल टू 1/7 डबल बनाए 7 यहाँ से आया आपका n बाई n की वैल्यू है, तो 1/7 49 मल्टीप्लाई 150, इसका मैंने कैलकुलेशन किया W इक्वल टू 21/20 W इक्वल टू 1.05 ग्राम, ये आपका इसका स्ट्रेंथ आ गया। तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब आगे हम करेंगे इसमें इसका बी ग्रुप का पार्ट वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।